Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यानी रविवार को बिहार में डिजिटल रैली करने जा रहे हैं। अमित शाह के डिजिटल रैली का विरोध करने के लिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज के दिन को गरीब अधिकार दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया है। तेजस्वी यादव ने लोगों से अपील की है कि वो अमित शाह के इस डिजिटल रैली का विरोध करने के लिए थाली पीट कर अपना विरोध प्रकट करें। अमित शाह के इस डिजिटल रैली में पहला पटना में जेडीयू की तरफ से कई सारे पोस्टर्स लगाए गए हैं, जहां पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जरिए तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला गया है। पटना में लगे इस पोस्टर में लालू प्रसाद के साथ साथ आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन और विधायक राजबल्लभ यादव शामिल हैं। इस पोस्टर में दिखाया गया है कि यह तीनों नेता फिलहाल जेल में बंद हैं। लालू एक तरफ जहां रांची के जेल में बंद हैं, वहीं दूसरी तरफ शहाबुद्दीन दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। बलात्कार के आरोप में राजबल्लभ यादव भी जेल में बंद हैं। इस पोस्टर में दिखाया गया है कि किस तरीके से जेल में बंद लालू प्रसाद, शहाबुद्दीन और राजबल्लभ यादव आज गरीब अधिकार दिवस के मौके पर थाली बजा रहे हैं। पोस्टर पर लिखा है, कैदी बजा रहा है थाली, जनता बजाओ ताली। जदयू ने इस पोस्टर के जरिए तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है, लेकिन जिस तरीके से आज अमित शाह अपने वर्चुअल रैली के द्वारा बिहार के जनता को संबोधित करेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति और तैयारियां शुरू करें कार्यकर्ताओं को संदेश देंगे, तो वहीं पर महागठबंधन जिस तरीके से हावी होता नज़र आ रहा है, खास करके अगर हम बात करें तेजस्वी यादव की, जो तेजस्वी यादव जिस अपने रौद्र अवतार में लोगों के सामने आ रहे हैं और आज ही के दिन वो गरीब अधिकार दिवस के साथ साथ बिहार के जनता से थाली बजाकर इसका विरोध करने का प्रतिक्रिया जारी किया है, इसको देखते हैं कि आज बिहार की जो स्थिति है वर्चुअल रैली के दौरान क्या कुछ तस्वीरें आती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।